लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित भारत में सतत पर्यटन स्वच्छता कार्य योजना 2022 विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन समापन किया गया। समापन समारोह में आज प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में सरकार द्वारा लाई गई नई पर्यटन पॉलिसी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, सरकार पर्यटकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी पर्यटन की संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं, और इस दृष्टि से हमें उत्तर प्रदेश में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यह एक बड़ा चैलेंज है। और अगर हम देखें तो काफ़ी अभी प्रति लाख आबादी पर बहुत ही कम कमरों की अवेलेबिलिटी है। वाराणसी में देव दीपावली के समय 50,000 से अधिक रेंट पर एक एक कमरा मतलब बिका। पहले जहां वाराणसी में केवल 10 लाख पर्यटक काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिमा आते थे, अब वो 40 लाख से ज्यादा हो गए, और किसी किसी महीने तो 60 लाख से भी ज्यादा आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में 62 लाख तक के पर्यटक आ गए थे। इस तरीके से अब अयोध्या एक विकसित हो रही स्थिति है, वहां पर आप देखेंगे कि काफी सारे 30 से ज्यादा होटल्स हमारे पास लाइंड अप हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो जो इस समय भारत में और कमोबेश जो स्थितियां निर्मित होती है उसमें हमको अच्छी पर्यटकों के लिए सुविधाएं दिलाने के लिए कसरत करनी और साथ ही साथ प्रकृति को बचा के रखना है। आज की जो सेमिनार है सस्टेनेबल टूरिज्म का, आज दूसरा दिन का था। पहली सत्र में हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्री मुकेश कुमार मेश्राम सर आए थे। वो हमारा IHM लखनऊ का वो चेयरमैन भी है। तो उन्होंने आके सबसे पहले न्यू टूरिज्म पॉलिसी जो 2022 की जो है उसके बारे में सबको बताया, और उन्होंने काफ़ी एडवाइस दिया है। हमारा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनको भी काफ़ी एडवाइस दिया है जो कैसे होता है नेचर टूरिज्म, कैसे होता है रूरल टूरिज्म, कैसे होता है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इसके बारे में काफ़ी बताया है।